नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज़ में। अनुदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण पर जल्द कार्रवाई की मांग। साथियों, यहां पर एक बड़ी अपडेट आई है संविदा शिक्षकों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, चाहे अनुदेशक हों, शिक्षा मित्रों या बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों हों या कोई भी, उनके लिए एक बड़ी खबर चल रही है। इस समय नियमितीकरण की मांग उठाई गई। क्या है ये समाचार, पूरा हम आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण से मिलकर संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण की कार्रवाई जल्द कराने की मांग की है। इस पर मंत्री ने जल्द आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथियों, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर साफ साफ ये समाचार वायरल हो रहा है लखनऊ से, जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए मांग उठाई गई है, जो कि काफ़ी लंबे समय से चल रही है ये मांग। माननीय मंत्री जी से भागीदारी भवन मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कार्मिक विभाग में हुई बैठक का हवाला दिया है। बताया कि बैठक के कार्यवत पर समाज कल्याण विभाग अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन से वित्त विभाग को भेजा जाना है। मंत्री ने इन पर शीघ्र प्रस्ताव शासन को भिजवाने का आश्वासन दिया है। एक और बड़ा समाचार आ रहा है शिक्षा मित्रों से संबंधित। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इनके मैसेज ट्रेंडिंग में चले गए हैं। शिक्षा मित्र नियमिति कब तक ट्विटर हैंडल पर इस समय सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर इनका ट्रेंड कर रहा है मैसेज लगातार। शिक्षा मित्र नियमित कब तक, ये मैसेज वायरल हो रहा है ट्विटर पर और ट्रेंडिंग में गया है। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से संविदा कर्मियों के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है, सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है उनके नियमितीकरण को लेकर। अब हम आज के इस पावन दिवस पर मेजर ध्यानचंद जी को, यानी कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर शत शत नमन करते हैं। और आज हम सभी खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को। तो ये थी अब तक की ख़ास खबरें चैनल के माध्यम से आप तक, आपकी सेवा में। मिलती किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।